जी जहाँ पेंट करा था वहीं से फिर स्टार्ट करा है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। यह है 10 की मॉर्निंग। तो ब्रशेस हो के, गर्म पानी पी के, इधर उधर अंदर बाहर टहल के, फिर चाय तो पीनी ही बनती है, थोड़ा ब्लोवर में पैर वैर सेक के, और साफ सफाई भी हो रही। सारे काम अब इतने नहीं होते हैं, बच्चे छोटे थे तब तो बहुत सारे थे, अब आराम से। जी हाँ चलिए आइए चाय पीते हैं। चाय बनाई जाए। ये शक्कर पत्ती डाल दी है थोड़ी, मुझे लगी कम है तो थोड़ी सी और डाल दे रहे हैं। इसमें इलायची पड़ी हुई है, इलायची के छिलके कूट के, दाने जब इसमें किसी चीज़ में पड़ते हैं दाने भी डाल देते हैं, छिलके, लौंग हुआ, काली मिर्च हुआ, थोड़ी सी कूट के उसी में मिक्स कर देते हैं, उसको रख देते हैं, फिर काम आती है। ऐसे हर समय नहीं कूटना पड़ता है। तो चाय बन गई, आइए चलते हैं चाय पीते हैं। और चाय ब्रेड बंद लूँगी मैं, बेटा भी नहीं वो आएगा तो उसको, उसके लिए सब्जी बचा के रखी थी थोड़ी सी, उसको सब्जी रोटी खिला देती हूँ, या कभी कहता है जैसे पराठा खाएगा तो सब्जी थोड़ी सी रख ली थी उसके लिए। मेरा तो यही नाश्ता है। फिर दोपहर में तहरी बनाने का सोचा है, मटर वटर छीले रखे ही हैं, आलू थोड़ा सा छील लूँगी बस बन जाएगा। सोया बड़ी कहेगा तो डाल देंगे, नहीं तो फिर ऐसी, मुझे ही नहीं पसंद है सोया बड़ी। अब ये छन्नियाँ जो है मेरी धोए थे तो खट्टी हो गई, जैसे एक चाय की हुई, एक दूध की हुई, एक में घी छाना था, मॉर्निंग में एक निकाल ली तो वही रखने जा रही हूँ। सारे बर्तन अरेंज कर दूँगी, किचन में वही होता ही है, सब सभी करते हैं, एक बार उठ के दोबारा से पोछा लगाना, बर्तन अरेंज कर देना, गर्म पानी पीना, थोड़े से पैर वैर सेक लेना, फिर शुरू हो जाता है चाय के साथ। अब इसमें सब्जी वब्जी का देखते हैं, जैसे कहेगा उसको आवाज़ दूंगी, उसको नाश्ता करा दूंगी, तो पढ़ने उड़ने बैठ जाता है फिर। लेकिन ठंडक भैया बहुत गजब के रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो चाय देख के अच्छा लगता है, बनते देख के चाय के बारे में सोचना, पीना तो और भी अच्छा लगता है। पानी गरम करके रख लो, गरम पानी, ठंडा पानी पी लीजिए, लगता है जैसे हाथों में चोट पहुंचा दी। अब ये पानी केटल में डाल दूंगी जब तक गर्म होगा। एक साथ कई काम करने पड़ते हैं फटाफट, अब कहाँ काम थे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो सबको काम होते हैं। गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, ठंडक बहुत है। बेटे को बुला रही थी, भागा भागा आया नहीं। बिल्लो मौसी मेरी बैठती थी, नेक्स्ट ईयर डियोज आती हैं रिपीट हो के, तो देखते हैं तो बड़ी याद आती है उसकी। ओ माही ओ माही ओ माही, हक हुआ तेरा ओ माही। पानी गर्मा के रखाई और थोड़ा सा पैर भी सेकने चली आई हूँ, और उसमें मेरे गाने भी चल रहे हैं, ये सब मेरे चलते रहते हैं। जाऊंगी बाटल में पानी भर दूंगी, फिर चाय लेके चली आऊंगी, तब फिर थोड़े से गाने हो जाएंगे। बस खुश रहना चाहिए, मस्त। Thank you.
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? और मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। इतनी दीवार बन गई है, प्रोग्रेस हुई है, बच्चे खेल रहे हैं और बेटा गया है मेरा ब्लोअर सही कराने। वो खराब हो गया था। खराब क्या बताइए, कितनी जाती उसने करी मेरे साथ। ठंडी ठंडी हवा दे रहा है गर्म के बजाय। जब गर्मी आती है तो सब गर्म गर्म हवा देते रहते हैं, पंखे पंखे सब, बहुत चीटर है। और मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, कोहरा है, ठंडक है, बारिश भी बीच बीच में हो जाती है। कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त ठंड चल रही है, कड़ाके की जिसको बोलते हैं। तो काम भी चल रहा है, लेबर आते हैं, इनका ठेके पे काम है, आराम आराम से करते हैं फिर चले आते हैं। बच्चों को देखिए, ठंडक नहीं लगती। हाँ, नहीं लगती होगी, दौड़ धूप करते हैं तो गर्मी आ जाती होगी। अच्छा अच्छा चलती हूँ मैं, मेरा नाश्ता नहीं है। और मेरा नाश्ता तो बन गया है, बेटा गया है सही कराने, सब्जी बनाई है ग्रेवी वाली। इनको भी दिखा दो, मतलब उनकी दो ही थी है, तो ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने उनके लिए पैक किया। सब्जी बना ली, दूध गर्म हो रहा है, बेटा आ गया, गया था ब्लोवर दिखाने, बन गया होगा तो ले आया होगा, नहीं तो फिर। और ये देखिए मेरी प्यारी यूट्यूबर, चीजें हो गई है, देखा आगे ब्लॉग लेने जा रही थी, बातें भी कर लूं, मेरा नाश्ता बेटा आ गया, उसको भी दे दूं, गरम गरम पानी ले आऊं। जिसका जो मैंने वो पागल है, और उस कमेंट पे जो है मैंने वो इग्नोर कर दिया। आजकल मैं जो है इग्नोर कर देती हूँ इस तरह की चीजें, और मैं माइंड नहीं करती हूँ। मैंने एक ही अपना फंडा बना लिया है कि जो मेरे बारे में जो लिखता है, अगर कोई मेरे बारे में अच्छा लिखता है तो भगवान जी उसे उससे ज्यादा अच्छा देगा, उसके साथ और अच्छा करना, और जो मेरे बारे में बुरा लिखता है तो वो उसको वापस वही चीज देना। बस मैंने यही जो है मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, उनको कुछ भी नहीं कहती, मैं इग्नोर कर देती हूँ। पर उस कमेंट पे जो काफी दिन से वो कमेंट आया हुआ था, पर उस कमेंट पे कल परसों जो है मेरे एक दो सब्सक्राइबर है, उन्होंने जाके जिन्होंने ये कमेंट किया था ना, उनको वो बातें सुना रहे थे वहां पर, उनकी जो है थोड़ी बहुत चल रही थी, क्लास ले ली, चिंगारियां उठ रही थी वहां पर, कुछ बातें चल रही थी, कुछ लोग जलने लगते हैं। दीदी उन्होंने आपके बारे में ऐसे बोला, डोंट वरी सिद्धिमा, आप भी जो है इग्नोर करना सीख लो। नाम इसका मेरे फ्रेंड वाला है तो मैं ले नहीं सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिली में आई परेशान रहते हैं, और अपनी फैमिली में तो उनकी चलती नहीं, और वो आपके से अगर उनको थोड़ा सा मेंटली जो है अगर सुकून मिलता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर गलत कमेंट एक दो आ भी जाते हैं तो इस ऐसे लोगों को समझाने से भी कोई फायदा नहीं है। काफी सारे नीचे कमेंट आ रहे थे, आपस में जो है झड़प हो रही थी तो इस तरह से चल रहा था सब्सक्राइबर, तो इसीलिए कहती हूँ कि और व्यूअर्स को आप भी जो व्यूअर्स में सीखो। आजकल मैंने तो इग्नोर करना सीख लिया है, पर हाँ सामने आ जाता है तो दिख भी जाता है। मैं अपने तक ही रखती हूँ, आप लोगों तक मैं चीजें शेयर नहीं करती। मैंने बहुत मतलब अपने आप में जो आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ चेंजेस लाने की। पहले मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट करती थी, अच्छा तो कहते भी थे कि बहुत जल्दी रिएक्ट, वायलेंट ये वो मूड, पर अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है ज्यादा रिएक्ट ना। ओम शांति। हाँ, हालांकि कुछ चीजें होती है जरूरी जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी भी होती है, बिल्कुल करना चाहिए। और मैंने बताया था मेरे चैनल पे जो है स्ट्राइक आ गई थी, एक यूट्यूबर है जिन्होंने मेरे चैनल पे स्ट्राइक दी थी, और स्ट्राइक की वजह ये थी कि उनका मानना था, उनका मानना क्या, हाँ मैंने कॉपी किया था कि मैंने उनका डिस्क्रिप्शन कॉपी किया, इस वजह से उन्होंने मुझे स्ट्राइक दे दी। और अब वो मैडम क्या कर रही है, हर मेरे वीडियो का टाइटल जो है ना कॉपी कर करके और अपने उस पे टाइटल सेम डाल रही है, बदला ले रही है। तो मुझे लोगों का ये समझ में नहीं आता कि मतलब जब आपकी कोई चीज कॉपी कर रही है, वो
चिड़ गए। अगर आप किसी की कोई चीज कॉपी कर रहे हो तो वो नकल कर लिया। हाँ, समझ में नहीं आता तो ये मेंटली डिस्टर्ब वाले हैं। मेरा एक दो बार तो मन हुआ कि मैं भी जो स्ट्राइक दे दूं उस बंदी को, और जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। नेचर है नहीं, इग्नोर छोड़ो यार। बहुत सही, बहुत की बातें मत करो ऐ गालिब, तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। ये कुछ आज कल दिखाया मोहम्मद सिराज ने, तो अब जीता था तीन हफ्ते से पहले का बल्लेबाजी करेंगे, और सोचा था कि बढ़िया ही चले जाएगा। ये हुआ तो कभी सी बन गई इस बल्लेबाजी की, बचपन ही ना लगा के एक मिनट लिए रख दिया, सारे धो डाले। कन्हैया के भी बर्तन धो गए। हाँ, बेटे ने भी खा लिया, और नौ इंतज़ार कर रहे थे, नौ पे आ गया था। फिर बर्तन वर्तन भी साफ़ हो गए हैं, अब चला जाए, लेटा लेटी हो। सुबह ठंडक होती है तो कसमस होती है, थाली बची है तो इसको भिगो दिया है। सुबह उठने में देर हो जा रहा है, इस समय 5 में आँख खुल जाती है लेकिन उठते नहीं बनता है। लुढ़के रहो, ब्लोवर चला लो, फिर जब गर्मी लगती है तब फिर उठ के भगो। 8